मौजूद हैं इस वक्त शेख जैनुद्दीन साहब के साथ। बड़ा यूनिक सा प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया है जो दुनिया का वक्त बताता है, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप बताइए इस प्रोजेक्ट के बारे में, आपने क्या बनाया है? जी ये वर्ल्ड एजुकेशनल क्लॉक है और ये मैंने खुद बनाई है, मेरी ओन क्रिएशन है और माशाल्लाह हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि मेड इन पाकिस्तान है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है और हम पायनियर हैं। मेरी ख्वाहिश तो यही है कि इसको मैं पाकिस्तान में एक बड़े साइज़ में इसको बना के लगाऊं, ताकि इसमें मेरी और मेरे मुल्क की पहचान हो। इसकी बहुत आसान, इसको हम देख सकते हैं बहुत आसान तरीक़े से। इसके अंदर आप देख सकते हैं, इस वक्त नॉर्मल टाइम है, बिल्कुल सिंपल इसको देखने का तरीक़ा है। पाकिस्तान में इस वक्त 2:25 हो रहे हैं, इसी तरह ये तमाम कंट्रीज डिवाइड हुई हैं। बांग्लादेश में 3:25 और जापान में 6:25, यूके में देख सकते हैं आप यूके का टाइम है इस वक्त 12 बज रहे हैं। यूके में दुनिया के कितने ममालिक को आपने तमाम दुनिया के तमाम कंट्रीज़ का जो टाइम है इसमें देखा जा सकता है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये फास्टर देन एनी कंप्यूटर है कि आप उसमें सर्च करेंगे देखेंगे तब जाके टाइम आएगा, लेकिन इसमें आप इजीली इस तरह देख सकते हैं। थोड़ा मैकेनिज्म बताइए कि किस तरह ये जो आपने लगाया हुआ है, ये किस तरह सुई काम कर रही है इसमें, सेकंड की मिनट की? ये देखें सिंपली जो है वो नॉर्मल इसमें मशीन यूज़ हुई है, लेकिन इसमें जो असल आर्टिस्टिक वर्क है जिसके अंदर ये काफ़ी टाइम दरकार था, मुझे 2 से 2.5 साल मुझे लग गया इसकी अरेंजमेंट में और इसमें, इसके बाद जो है ये फिर मेरा एक आइडिया था इस तरह के, क्योंकि डिफरेंट अगर जगहों पे देखा जाए तो हर कंट्री के टाइम को देखने के लिए अलग अलग जो है हम क्लॉक यूज़ करते हैं, वो एक कॉम्प्लिकेटेड होता है कि आप डिफरेंट उसमें देख रहे हैं। इसमें बहुत ईजीएस्ट वे, इसका एक तो यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसको हम एयरपोर्ट्स पे यूज़ कर सकते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज मल्टीनेशनल जितने भी इदारे हैं उनमें हम इनको लगा सकते। अच्छा कॉस्ट इस पर क्या आई है आपकी? कॉस्ट तो इस पर मेरे मोर देन 20-30,000 रुपीज़ जो वो एक्सपेंस हो चुके हैं, लेकिन मैं मज़ीद ये चाहता हूँ कि मैं खुद टीचिंग में हूँ, इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मेरी ख्वाहिश तो ये है कि अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी या हुकूमत पाकिस्तान से, मैं अपील करता हूँ, या ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर कोई इसको जो है सपोर्ट करना चाहे तो मुझे बड़ी खुशी होगी।